हमीरपुर से ब्रेकिंग न्यूज, ग्रामीणों ने लगाया ग्राम प्रधान व सचिव पर सही से कार्य न कराए जाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मोहदा विकासखंड क्षेत्र के पिपरौंदा गांव में खराब सड़कों पर साफ सफाई न होने की वजह से स्थानीय लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहदा क्षेत्र के पिपरौंदा गांव में व ग्राम प्रधान व सचिव की कारगुजारी के चलते ग्रामीणों का निकलना चलना मुश्किल है, तो वहीं गांव में कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में जलभराव से भी बरसात माह में तमाम फैलने वाली बीमारियों का भय भी लोगों में व्याप्त रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान व जिम्मेदारों को अपनी समस्या बताने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका, जबकि मौजूदा सरकार लगातार सबका साथ और सबका विकास के नारे की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सब कुछ निराधार साबित हो रहा है। नाली की समस्या है, यहाँ पे बहुत कचरा है और इतनी मिट्टी है इधर कि निकलने में दिक्कत हो रही है, और न तो सफाई कर्मचारी यहाँ पे कभी आता है, और प्रधान से शिकायत की जाती है तो भी टाल देता है। हमारे बच्चे हैं तो तालाब में डूबते हैं यहाँ। अच्छा, क्यों? द्वारे में कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत का यहाँ सफाई न खरंजा बन रहा है, न सफाई हो रही है, क्या दिक्कत है? सफाई कर्मचारी नहीं आता क्या? कोई नहीं आता, हमारे बच्चे उसी में छपछपाते हैं, घर में अंदर घुसते हैं, दिन भर मारपीट पड़ती है उन पे। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए संवाददाता शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।